पता है मुझे स्मॉल टाउन लाइफ अब अच्छी लगने लगी है। क्यों नहीं लगेगी, हम जो है यहाँ हर चीज का क्रेडिट अपने आप को ही देना है। पता है क्यों? आपके क्यूट से एक्सप्रेशन तो देखने होते हैं। आइए। थैंक यू। अगर अर्जेंट नहीं होता तो मैं इस वक्त मीटिंग में होता। नेक्स्ट दो दिनों के लिए मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। चलो फ्लैट का टाइम हो। चलो क्या हुआ? हमारा इस तरह से अचानक मथुरा चले जाना आलिया को और अपसेट ना कर दे। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे ये रिश्ता और खराब हो जाए। फिलहाल हमारा मथुरा जाना ही सही स्टेप है। ऐसा करो सिर्फ तुम चले जाओ। आलिया को तो मेरे साये से भी नफरत है। आलिया तो मुझसे भी नफरत करती। मुझे लगता था कि एज अ फादर मैंने आलिया के लिए सब कुछ किया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्या वो मुझे बिना बताए मथुरा जाती? वो तो मेरे फोन कॉल्स को भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। और इसकी क्या गारंटी है कि वो मेरी शक्ल देख के मुझसे नाराज ना हो? फिलहाल इन सब बातों का टाइम नहीं है, लेट्स जस्ट गो। डैड आप यहाँ? आलिया तुम ठीक तो? मुझे तुम्हारी इतनी सारी टेंशन हो रही थी। चलो तुम अपना बैग पैक करो, हम अभी जाएंगे। चलो। मैं कहीं नहीं जा रही। क्यों? ये क्यों का जवाब हम देते हैं। आपकी बेटी पेट से है और ये बच्चा हमौल अल्लाह का है। नाना वैसा वाला ना है, हम आओ सारंगधर तो बिक्की डोनर है आलिया बिटिया का। क्या ये सच है सारंग, तुम डोनर हो आलिया के? आप ये क्यों पूछ रही हैं? आपको इससे क्या मतलब? नहीं आलिया, अभी नहीं। बात ये है कि ये दोनों अब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। What? Is it true? तुम इससे प्यार करती? How? तुम आलिया श्रॉफ हो, तुम डायरेक्ट दिल से की ओनर हो, तुम मुंबई में पली बड़ी हो। तुम अपना बैकग्राउंड देखो और इसका बैकग्राउंड देखो, कुछ मैच नहीं करता। नथिंग इज वर्किंग। प्लीज मेरे साथ चलो, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। अकेले में बात करने लायक कौन सी बात है जो अकेले में करनी है? अभी तमाशा तो सब हो गया, इज्जत तो उछल गई हमारे पांडे परिवार की। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हम लोग। अजय हमारा लल्ला, अरे बिन ब्याह ही बच्चे का बाप बनने वालों है। जे ए कानू, हमारी जान क्यों नहीं ले ली ये सब दिखाने से पहले तूने? आप तो सबको मार के मरोगी जीजी, एक्टिंग देखो जरा। इतनी गंदी एक्टिंग पे तो चूरन बेचने का काम ना मिले। चुप हो जाओ जीजी, कौन सा खानदान का बारिश आ रहा है? जो पाप की निशानी है और पाप ही रहेगा। बापू आप सारंग के फादर हैं, उसी रिस्पेक्ट से कह रही हूँ। आपने बहुत ही गलत बात कही है। अब आप सही और गलत के बारे में बात कर रही हैं? आप सही और गलत के बारे में बात करने की राइट खो चुकी हैं। और आप सब इतने ओपिनियंस, इतने सवाल हमारे बारे में, हमारे बच्चे के बारे में क्यों? आप सबको खुद आजकल तुम ठीक से खाना ना खा रही हो बिटिया। भूख नहीं है मुझे। भूख नहीं है? अरे नंदिनी जी आओ ना बहन, बैठो। नहीं वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बिटिया भूल जाओ। सारंगधर को ऐसा नहीं कहना चाहिए था क्या? हम उसकी बात ना कर रहे हैं, वो तो सारंगधर और तुम्हारा मामला है। हम तो एक माँ हैं, हम तुम्हारी माँ की बात कर रहे हैं। बचपन में जो कुछ भी हुआ उसे अपने बच्चों का बचपन बर्बाद ना करो बिटिया। मैंने ऐसा क्या किया? बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार किससे मिलता है? दादा दादी नाना नानी से। वो छिन जाएगा
जो उन्होंने मेरे साथ किया मैं उसे नहीं भूल सकती। बिटिया, नाव पे पांव धरे रहो तो किनारा ना मिलता है, किनारा पाना है तो नाव छोड़नी पड़ी है। अच्छा, आओ तो हमारे साथ। लेकिन कहाँ? अरे चलो तो आओ। वीर ने मुझे कितना हर्ट किया था और मैं नहीं चाहती हूँ कि जल्दबाजी में मैं कोई ऐसा डिसीजन लूँ और फिर से हर्ट हूँ। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आलिया, बिटिया कुछ तो बोलो। मुझे कुछ नहीं कहना। आलिया, मैंने तुम्हारी कस्टडी के लिए बहुत कोशिशें की थी। सुना तुमने? नंदिनी जी तुम्हारे लिए लड़ी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए उन्होंने, है ना बहन? स्कूल का पहला दिन मैं तुम्हारे पास ही थी, पर फिर भी तुमसे दूर। गौतम ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देकर रखे थे स्कूल में कि तुमसे ना मिलने दिया जाए, और फिर जब तुम हॉस्टल गई वहां पर भी सेम इंस्ट्रक्शंस। जी अच्छा ना किया भाई साहब ने। सुना तुमने ना, ये तुमसे मिलने आई थी। जब तुम ग्रेजुएशन के लिए हार्वर्ड गई थी तो मैं वहां पहुंच तो गई, पर तुम्हारे पास आने से पहले मेरे कदम ही ठहर गए, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। सुन बिटिया, एक माँ अपने बच्चे को जन्म देते वक्त बहुत दर्द सहती है, समझ लो नया जन्म हुए है एक औरत का। तुम भी तो माँ बनने वाली हो, तुम्हें भी उसी दर्द से गुजरना है जिस दर्द से तुम्हारी माँ गुजरी थी तुम्हें जन्म देते हुए। बिटिया, उस दर्द के लिए अपनी माँ को माफ कर दो बिटिया। शुरू से शुरू करते हैं। आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हैं ना, तो आपको मेरा ट्रस्ट गेन करना होगा जो आप खो चुकी हैं। रिश्ते एक दिन में नहीं बनते, आपको मुझे टाइम देना होगा। थैंक यू कमलेश्वरी जी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.